नमस्कार मैम। तन धन सतगुरु तेरा यास। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हरजीत कौर इंसा। मैम, डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो और क्या करते हो? डेरा सच्चा सौदा से मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ और मैं पेशे से नौकरी करती हूँ। एज ए स्टाफ नर्स मैं जींद में जवाहर नवोदय विद्यालय में जॉब करती हूँ। मैम, आप एक पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह आते क्यों? क्योंकि जो हमें डेरा से मिला है वो आज तक कहीं से नहीं मिला। कभी जो सोचा होता है वो पूरा हो जाता है डेरा में आके, मतलब बाद में सोचते हैं और वो चीज़ हमें एट प्रेजेंट मिल जाती है। ऐसे सोचो। और मैम, आप एक महिला हैं, डेरा जाते हो, मीडिया में सूत्रों के हवाले से काफ़ी जो खबरें हैं, महिलाओं को टारगेट किया गया एक तरीके से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, वो सब अफवाह है। एक गुरुजी को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है और कुछ नहीं है। कितनी सुरक्षित है महिला? आप भी जाते हो, आप कितनी सुरक्षित? बिल्कुल 100% सुरक्षित है जी, बाहर से भी ज़्यादा सुरक्षित है जी। 100 ज़्यादा अबव दूंगी मैं, 100+ दूंगी। समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए गुरुजी ने बहुत कार्य किया, बेटियों के लिए बहुत कार्य किए। पिताजी ने बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए, आगे करने के लिए बहुत उत्साहित दिया। लोगों को बताया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे करो, बेटियां कम नहीं हैं। बेटियों के लिए बहुत कार्य किए और समाज के लिए भी बहुत कार्य किए। वैश्यों के लिए कार्य किए, वैश्यों को थर्ड जेंडर में लाया गया, एक कानून बन गया, बल्कि बाद में तो उनको एक समाज में जैसे हम लोग जीते हैं वैसे ही उनको जीने का अधिकार बताया गया। मैम, वैश्याओं के लिए आपने बोला कि गुरुजी ने क्या किया, क्या किया उनके लिए? वैश्यों के लिए गुरुजी ने जैसे हम रह रहे हैं बिल्कुल समानता का अधिकार, जिस तरह होता है जिस तरह हम रह रहे हैं उसी तरह उनको भी गुरुजी ने आगे लाया। डेरे में आते हैं और लोग बहुत अच्छा, कभी किसी ने उनको दुराश से देखा नहीं है। क्या लगता है समाज को गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत है? कई अच्छे कार्य हैं जो गुरुजी ने, बहुत अच्छे कार्य जो किए और आने वाले टाइम में और अच्छे कार्य जो रह ना जाए इस गुरुजी के ना आने से। मैम, ये नरकंकाल काफ़ी चला था मीडिया में, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई जी, नरकंकाल क्यों, ये एक था कि अस्थियों को लोग बहाने के लिए कहीं भी बहा देते थे, फेंक देते थे। तो ये एक साइंटिफिक भी फैक्ट है कि हम अगर अस्थियों को, अस्थियाँ कहें या कंकाल कहें जो भी कह लो आप, उनको अगर हम गड्ढा खोद के वहाँ पे अगर कोई पेड़ पौधा लगा दें या वहाँ पर खेती हो तो वो दुगनी होती है। यही एक, जहाँ तक मेरी समझ है यही था। और मुझे ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का निर्माण गुरुजी ने क्यों किया? सामाजिक कार्यों को बढ़ाने के लिए। सरकार से क्या अपील करोगे मैम? मेरी सरकार से यही अपील है कि हमारे गुरुजी जो है बिल्कुल निर्दोष है। यह एक चक्रव्यूह रचा गया है और इस चक्रव्यूह को तोड़कर गुरुजी जल्दी से आ जाए, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो गुरुजी हमारे पास पल पल रहते हैं, हर पल रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गुरुजी यहाँ आ जाए। मैम, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? आकर एक बार डेरा सच्चा सौदा में देखें, उसके बाद उनको सब कुछ प्रत्यक्ष सामने नजर आ जाएगा कि क्या होता है, क्या सच है, क्या झूठ है, उनको सब पता लग जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।